फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। साथ ही साथ आप सबको छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सबके घर परिवारों में बहुत खुशहाली लेके आए। होलिका दहन के साथ साथ आपके अंदर से सारी घृणा, द्वेष, नफरत, ये सारी चीज़ें आज होलिका दहन के साथ जल जाएँ और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, इसी की मनोकामना के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना। मैं यहाँ पर अपना एक नज़रिया शेयर करने आती हूँ अपने रिएक्शंस के माध्यम से। जो मैं वीडियोज़ में देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं फैक्ट्स पर यहाँ पर बात करने में बिलीव करती हूँ। सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि ये किसी का सपोर्ट करने का चैनल नहीं है, इट्स अ प्योरली रिएक्शन चैनल। मुझे जब जहाँ पे जो चीज़ें सही लगती हैं, आई बिलीव इन रियलिटी, मैं रियल चीज़ों पे बात करती हूँ, अपने फैक्ट्स यहाँ पे रखती हूँ, अपनी बातें यहाँ पे रखती हूँ। डेफिनेटली आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया मेरे से डिफरेंट हो सकता है, तो आप सबके नज़रिए की भी इक्वल रिस्पेक्ट है। आप कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। तो आज देवरानी जी का नया व्लॉग आया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि बिखरी हुई चीज़ें मैं समेट रही हूँ, और वाकई में जिस तरीके से घर का माहौल दिखा, चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही थी। घर के सामान के साथ साथ इस परिवार के रिश्ते भी बहुत हद तक बिखर चुके हैं। रिश्ते बिखरने के साथ साथ ऐसा लगता है कि इनका YouTube का जो नाम है वो भी बहुत ज़्यादा बिखर चुका है। और किसी भी इंसान की मेहनत जब बिखरती है तो उस इंसान को दर्द भी होता है और तकलीफ़ भी होती है, और अपनी दर्द और तकलीफ़ में वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ एनालाइज करना भूल जाता है, या ये बोलिए कि उसे समझ नहीं आता है कि उसने कहाँ पे क्या गलतियाँ कर दी। क्योंकि किसी लड़की का 4 से 5 साल का YouTube का करियर, उस 4 से 5 साल में बीइंग अ क्रिएटर, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि एक क्रिएटर की कितनी मेहनत लगती है। एक एक सब्सक्राइबर्स को जोड़ना, एक एक सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखना, एक एक सब्सक्राइबर्स के कमेंट का रिप्लाई करना, और पूरे 4 साल की अप एंड डाउन भरी जर्नी। और जब वो जर्नी अचानक से डगमगाने लग जाए, जब उस जर्नी में अचानक से आपको पसंद करने वाले कम और आपको ना पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में किसी का भी डिप्रेस होना और स्ट्रेसफुल होना नॉर्मल है। तो आज व्लॉग में वही कुछ चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा एक चीज़ देख के मुझे व्लॉग में आज अच्छा लगा कि घर में चाहे कैसे भी रिश्ते हैं आपस में, घर के बच्चों के बीच में बहुत प्यारे रिश्ते हैं। काश कि इसका 10% भी घर के बड़े बच्चों के बीच में रिश्ते होते तो ये फैमिली दी बेस्ट फैमिली में से एक होती। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर बच्चों के बीच में प्यार है ना, तो इस प्यार को हमेशा बनाए रखना, चाहे वो प्यार कामिनी जी की तरफ से हो, चाहे वो प्यार निक्कू की तरफ से हो। दोनों का दिखता है कि बच्चों के लिए दोनों बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं। जब कामिनी का व्लॉग आया था तो उसमें हमें बच्ची नज़र आई थी, वो भी उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी, और जब आज निक्कू का व्लॉग आया तो उसमें हमें बेटा भी नज़र आया, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो परिवार के बच्चे सांझे हैं, और बोलते हैं कि परिवार को जोड़ने के लिए बस एक ही कड़ी काफ़ी होती है, और आपके पास तो भगवान की दीवी दो दो इतनी खूबसूरत कड़ियाँ हैं कि जिसके बल पर आप इस टूटे हुए घर को जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की शिकायत मुझे है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो भी चीज़ें हुई थी आज बच्चे आपस में जब बात कर रहे थे तो वो बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि होली में मैं भैया को रंग लगाऊंगी, या भैया बोल रहा था मैं बहन को रंग लगाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे सारा दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे रहते हैं। उसके बाद होली जैसे मौके पर दोनों भाई बहनों का अलग हो जाना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। भले ही सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, लेकिन कभी भी हमें चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, हमें उन चीज़ों का सामना करना चाहिए। और ख़ासकर जब आपको प्यार की एक कड़ी मिली हो कि वो बच्चों के बीच में प्यार है, तो उन बच्चों को होली का त्यौहार साथ मनाने देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि क्या इनके रीजंस रहे होंगे कामिनी जी के कि वो बच्चे को लेके मायके चली गई, लेकिन मेरा मानना ये है कि मायके लेके नहीं जाना चाहिए था। वो बोलते हैं ना कि तीज त्यौहार सेलिब्रेशंस, ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आप अपने बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं, घटाने की कोशिश कर सकते हैं, चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतने ब्यूटीफुल तीज और त्यौहार बनाए गए हैं, और बनाए ही इसी उद्देश्य से गए हैं कि अगर तुम्हारे घर में सालों भर लड़ाई होती हो, लेकिन त्यौहार के दिन सब साथ में पकवान बनते हैं, त्यौहार के दिन जब साथ में फैमिली होती है तो 4 अच्छी बातें होती हैं, और शायद इस फैमिली को उन 4 अच्छी बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस टाइम पे जेठानी जी बच्चे को लेके मायके चली गई, भले ही उनके कोई भी रीजंस रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे उन्हें जाना नहीं चाहिए था। अपने इस परिवार की जो भी घड़ी चल रही है, मुश्किल घड़ी चल रही है, इसके साथ डील करना चाहिए था, फेस करना चाहिए था,
बच्चों के बहाने रुकना चाहिए था, बच्चों की होली के लिए रुकना चाहिए था, बच्चों का साथ ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि आज जब व्लॉग में मैंने बच्चों को देखा तो मुझे उनकी एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी लग रही थी, और अब वो दोनों अकेले अकेले अपनी अपनी जगह पर होली मनाएंगे। नो डाउट इस कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी जेठानी को मिली है उससे डबल इस समय देवरानी को मिल रही है। गलती इस परिवार में किसी की भी हो, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला हम लोग सिर्फ 15-20 मिनट का एक व्लॉग देखते हैं, उस व्लॉग के बेस पे हम लोग किसी की पूरी लाइफ यहाँ बैठे हुए प्रिडिक्ट करते हैं, जज करते हैं। लेकिन जो 24 घंटे का साथ है उन चीज़ों में क्या सही है क्या गलत है वो ये फैमिली डेफिनेटली जानती होंगी। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब भी कोई फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी होती है मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि किसी एक की गलती होगी या किसी दूसरे की गलती नहीं होगी। परिवार में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो गलतियाँ दोनों तरफ की होती हैं, तालियां दोनों तरफ से बजती हैं, एक हाथ से सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ बजते हैं, तालियां नहीं बजती हैं। तो गलतियां दोनों की साइड से इक्वल रही होंगी, इसीलिए रिश्ते आज यहां मोड़ पे आ गए कि आज दोनों अपनी चीजों को, अपने सेंटीमेंट्स को, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए। मम्मी को लेके, आंटी को लेके बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं आना चाहिए था, आंटी दबाव में आई है, उनके ऊपर प्रेशर दिया गया होगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं जिस नज़रिए से मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी माँ को या किसी बाप को कोई बच्चे प्रेशर दे सकते हैं, वो भी तब जब उनकी अपनी खुद की इंडिविजुअल इनकम है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका अपना घर है, तो कौन बच्चा क्या प्रेशर अपने माँ बाप पर देगा। किस प्रेशर से, पैसों के प्रेशर से माँ बाप आए होंगे? नहीं, हर कोई माँ बाप प्यार का भूखा होता है, जिस तरीके से एक जानवर प्यार का भूखा होता है, हर कोई प्यार और इज्जत का भूखा होता है। या तो ये बोला जा सकता है कि छोटे बेटे ने बहुत ज़्यादा पैम्पर, बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा ख्याल उनका इतना रख दिया है कि उनका जो डिवोशन है या जो उनका झुकाव है वह छोटे बेटे की तरफ झुक गया है। बोलते हैं ना कि प्यार से तो आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भी खरीद सकते हो, लेकिन माता पिता के ऊपर प्रेशर देने वाली चीज़, ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है कि प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं दी होगी। क्योंकि अगर प्रेशर देने पे आए तो फिर तो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से प्रेशर दे देते। अगर घर छोड़ने की बात करने पे आए तो दोनों ही घर छोड़ने का प्रेशर दे देते, क्योंकि इनकी माता के लिए उनके नाती पोते दोनों इक्वल हैं, वो दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर एक के जाने पर उन्हें तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उनको दूसरे के जाने पर भी तकलीफ होगी। तो माँ का प्यार बड़े बच्चों के लिए भले ही कैसा हो, लेकिन छोटे छोटे जो दोनों घर के बच्चे हैं उनके लिए वो प्यार इक्वल है। और आज ब्लॉग में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, हो सकता है कि आप लोग इनके पुराने व्यूअर होंगे, आपने पहले भी देखा होगा, पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि आज निक्की के हाथ में कुछ मोच वोच आ गई थी, जिस पर उनके जो ससुर जी हैं वो उनके हाथ की नस वगैरह ठीक कर रहे थे। तो ये जेस्चर देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ये जो प्यार है ये खरीदा जा सकता है या दबाव में बनाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली, एक परिवार से आते हैं। और क्या आप अपने सास और ससुर का प्यार पैसों से, दबाव से, रोध होके खरीद सकते हो? कभी भी नहीं। जिस कनेक्शन के साथ मुझे आज इनके ससुर अपनी बहू के लिए कंसर्न दिखाई दिए, उसकी उंगलियां ठीक करते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे सीधा सीधा प्यार और रिस्पेक्ट नज़र आ रही थी। तो अगर ये लोग जीते हैं ना माँ बाप का प्यार हासिल करने में, तो मेरे ख्याल से इज्जत और प्यार से जीते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कामिनी इज्जत और प्यार में कोई कमी करती होगी, वो भी करती होगी, वो घर की बड़ी बहू है, उसने इस घर में ज़्यादा वक्त बिताया है और शुरुआती दिनों में वही सब कुछ कर रही होगी, वही सब कुछ संभाल रही होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती है तो फिर अच्छाई करीबी कुछ याद नहीं रहती, लेकिन एक बुराई आपकी सारी अच्छाई पे भारी पड़ जाती है। शायद वो चीज़ें हुई हों, लेकिन देखने में ये ज़रूर कहूँगी कि फैमिली का जो रिश्ता है ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर एक बहू के साथ अच्छे हो सकते हैं सास ससुर, तो डेफिनेटली दूसरी बहू के साथ भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब, कहाँ, कैसे क्रिएट हुई, ये कोई जुम्मा एक या दो दिन की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी 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 करके आज इतना ज़्यादा बवंडर बना है। तो जो भी है, होली के त्यौहार पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैमिली साथ होती, साथ बैठती, साथ बात करती, बच्चे साथ खेलते, साथ होली मनाते, तो शायद कनेक्शंस थोड़े से और डेवलप होते। क्योंकि जितना ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना इनके रिश्ते और दूर 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 होते चले जाएंगे। हम सब एक परिवार से आते हैं और कोई ये नहीं चाहता कि किसी का परिवार टूटे, बिखरे,
किसी का नहीं। हर कोई चाहे किसी को जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन फिर भी अपने दिल से सामने वाले को दुआ ही देता है, उसके लिए अच्छा ही सोचता है। आई एम श्योर कि आप में से सारी ऑडियंस भी इनके परिवार के लिए अच्छा ही सोच रही होगी। लेकिन हमारे अच्छा सोचने के साथ साथ इस परिवार को भी अपने अपने लिए इनिशिएटिव ज़रूर लेना पड़ेगा, ज़रूर अपने लिए अच्छा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ट्रॉलिंग बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आप माने या ना माने। एक नेगेटिव कमेंट इंसान को ऐसा डिप्रेस कर देता है, और वहाँ पे जब आपको इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हों तो ये दोनों के लिए इस समय डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो भी तब जब आपने अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती 4 से 5 साल अपने व्लॉगिंग करियर को दिए हों, और जब वो करियर पर आपकी बात आती है और उस करियर में प्यार की बजाय आपको नफ़रत मिलती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ऑडियंस आप ही के हाथ की है, ऑडियंस प्यार की भूखी है, जैसे हर इंसान रिश्ता प्यार का भूखा है, ऑडियंस भी प्यार और इज्जत की भूखी है। आप यहाँ से ऑडियंस को प्यार देंगे, इज्जत देंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके कमेंट्स को गौर से पढ़ेंगे, गौर से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी ऑडियंस वहाँ बैठी हुई आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपको सिर्फ एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। और ऑडियंस हमेशा यही करती है। लोग शायद ये समझते हैं कि ऑडियंस में बैठे हुए लोग हेटर्स है, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ट्रॉलर्स हैं। जी नहीं, जितने भी लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, एक्चुअल में ये लोग आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स होते हैं, क्योंकि ये आपको कड़वे शब्दों में ही सही, आपकी निंदा ही सही, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी कड़वी जुबान के ज़रिए। वो कहते हैं ना कि प्यार से कभी कभी बातें समझ में नहीं आती, तो हर इंसान को जब डांट के और कड़वे शब्दों में बोला जाता है तो वो उसको चुभती है, और जो बात चुभती है उस बात पर इंसान गौर करता है और उसको सही करने की कोशिश करता है। तो ये जनता आपकी दुश्मन नहीं है, ये जनता आपकी वेल विशर है, जो चाहती है कि आप चीज़ें सही करें। अगर गलत हो रहा है, हर इंसान गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं, आपसे मुझसे हर किसी से, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज होली का इतना अच्छा दिन है, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी यार कि होली के टाइम तक इन लोगों के बीच की सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं और कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। बच्चों का आज का व्लॉग देख के थोड़ा सा बुरा लगा कि बच्चे साथ में होली मनाना डिज़र्व करते थे, उन्हें साथ में होली मनाने देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।